हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हुसैन मेमन हियर। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज मैं बात करूँगा एक कॉल की जो मुझे आया था। एक जॉब ऑफर था। ऑफर ये था कि वर्क फ्रॉम होम था और 18,000 रुपीज़ अ मंथ था और पार्ट टाइम जॉब था। अब उसके अंदर टास्क ये था कि वो लोग हमें पीडीएफ फाइल के अंदर जो है रेज्यूम्स दे देंगे, 600 रेज्यूम्स देंगे। उसे हमें एक पोर्टल पे मैनुअली टाइप करके अपलोड करना है। उस पोर्टल पे 600 रेज्यूम्स को 6 वर्किंग डेज में अपलोड कर देते हो सही तरीके से, एफिशिएंसी के साथ। कोई इशू नहीं आता, कोई एरर नहीं आता, या आता भी है तो 90% जो है वहाँ पे एफिशिएंसी उनका रेट था। तो उसमें आपको जो है 18,000 रुपीज़ पर मंथ मिल जाते थे आराम से। तो बहुत ही एक्साइटिंग था, मज़ा आया मुझे भी सुन के। मगर जब मैंने उनको जो है काउंटर क्वेश्चन करना शुरू किया, मैंने उनको पूछा कि यार अगर मान लीजिए मैंने 1 हफ़्ता काम किया, 2 हफ़्ता काम किया और पता चला कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या होगा? तो गाइज़ यहाँ से कैच उनका शुरू हुआ। यहाँ से मैंने उनको पकड़ना चालू किया। तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन फ्री है और कोई आपको पैसे देना नहीं पड़ेंगे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि अगर नहीं हुआ मेरे से, 15 दिन मैंने काम किया और मैंने 1 हफ़्ते के 600 यानी 1200 रेज्यूम अपलोड कर दिए, तो क्या होगा? कि बोल पहले तो पेमेंट नहीं मिलेगी। ये तो मुझे पता ही था कि पेमेंट नहीं मिलेगी, और पेमेंट सिर्फ आप 1 महीना काम करेंगे तभी मिलेगी। और उसमें कुछ उनका जो एफिशिएंसी रेट था वो भी कुछ 80 या 90% था। तो दैट्स ओके, आई वॉज कम्फर्टेबल विद दैट। और दूसरा, मल्टीपल लॉगिन्स हम नहीं कर सकते उसमें। मान लीजिए आपने एक पीसी में लॉगिन किया, सेम लॉगिन आईडी आपने दूसरे पीसी में भी यूज़ किए, दैट वाज आल्सो एक्सेप्टेबल। फिर तीसरी चीज़ मैंने उनको ये पूछा, मान लीजिए कि 15 दिन के बाद अगर मुझे ऐसा लगता है यार कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है मुझसे और मुझे क्विट करना है, तो क्या होगा? तो नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई भी जॉब क्विट करते हैं तो हम सीधा उनको ना बोल देते हैं। एक तो हमने 15 दिन काम किया, उसकी सैलरी भी नहीं लेते और जॉब छोड़ देते हैं। तो यहाँ उल्टा सीन था। यहाँ पे इशू क्या था, यहाँ पे उनका एक पैरामीटर क्या था कि आपको 6,500 रुपीज़ जेब से पे करने पड़ेंगे, यानी आपको पे करने पड़ेंगे। तो पहली बात तो ये कि मेरा अगर मैंने 2 वीक काम किया तो उसकी सैलरी तो नहीं मिलेगी, उल्टा मुझे उनको 6,500 रुपीज़ पे करने हैं अपने पॉकेट से विदाउट अर्निंग एनीथिंग। तो लैपटॉप भी मेरा, कंप्यूटर भी मेरा, मेहनत भी मेरी, मगर मैंने 15 दिन के बाद जॉब क्विट कर दिया तो मुझे जेब से पैसे देना है। तो गाइज़ आप लोग ऐसे जो है चक्करव्यूह से, या ऐसे सस्पेंस जो जॉब ऑफर्स आते हैं, या ऐसे स्कैम वाले जो जॉब ऑफर्स आते हैं, उससे बहुत बचिए। लॉकडाउन का टाइम है, मैं जानता हूँ बहुत जो है जॉबलेसनेस है, लोगों को बहुत जॉबलेस है, बेरोजगारी बहुत है। 18,000 वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम एकदम एक्साइटिंग लगता है। और एक जो जॉबलेस है वो बेचारा पहले डिप्रेस्ड होता है, उसके लिए ये ऑफर जो एक नई जिंदगी होता है। लेकिन देखिए, नई जिंदगी, नया ऑफर, एक्साइटिंग ऑफर, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपको किसी स्कैमर के हाथ नहीं फंसना और आपको किसी ऐसी कंपनी के हाथ में नहीं फंसना जहाँ से आपको इनकम मिलने के बदले आपको अपनी जेब से देना पड़े। तो गाइज़ ये सिर्फ मैं जो है इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी बचे इससे। और मौका ऐसा है कि स्कैमर्स लोग जो है किसी भी तरीके से खुद की जेब भरने के पीछे लगे। मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा। ये जो जॉब ऑफर आया था, एक अपने अंदर एक स्कैम लगा मुझे कि मान लीजिए कल को कोई इशू होता है, अगर मैं नहीं भी छोड़ता हूँ और मेरी एफिशिएंसी उतनी नहीं है जितनी वो चाह रहे 80% या 90%, तो फिर क्या होगा? तो उसके अंदर भी मुझे 6,500 पे करने हैं अगर मेरी एफिशिएंसी सही नहीं है तो। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि मेरी एफिशिएंसी है, बराबर है या नहीं है? तो ये ऑब्वियसली उनका मैनेजर, उनका टीम लीडर डिसाइड करेगा। ऑन व्हाट बेसिस? उनके पैरामीटर्स के बेसिस पे। अब मान लीजिए मैंने 600 रेज्यूम्स अपलोड किए एवरी वीक और 2 हफ्ते में 1200 हो गए, उसी तरह महीने के 2400 हो गए। तो मैं 2400 स्क्रीन शॉट्स लेके नहीं रख सकता कहीं पे कि देखो मैंने सही तरीके से काम किया था करके। कल को अगर वो इस बात पे इशू बनाते कि नहीं आपके तो इतने सारे एरर है, आपने इतने इशू किए और मेरी तरफ से सब कुछ सही है, तो मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे एक स्कैम अब ऑफर लगा ये, और इसीलिए मैं यही आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट कर ले और अच्छी जगह काम करे, ना कि आप ऐसी जगह जाके फंस जाए सामने से जहाँ पे आपको जेब से पैसे देना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो आपको धमकी भरे, हो सकता है फ़ोन भी करे, फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाते हैं, फिर पता चला कि आपने जल्दी जल्दी में कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ा
और आपने ऐसे ही साइन कर दिया और आपको काम की बहुत ज़रूरत है, मैं जानता हूँ, मुझे भी ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जगह लगा हूँ काम पे ऑलरेडी। इट्स ओके, जितना मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा जितना मैं एक्सपेक्ट करता, मगर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइज, थोड़ा खाइए, अच्छा खाइए और सब्र कीजिए, इंशाल्लाह पेशेंस रखिए, अच्छी चीज़ें आएगी। थोड़ा सा पूरी दुनिया का ही माहौल सही नहीं है, पूरी दुनिया में ही जॉबलेस लोग ज़्यादा हो रहे हैं, जॉब्स नहीं है, लेकिन ऐसी गलतियां मत कीजिए जिसकी वजह से जॉब भी चला जाए, पैसे भी चला जाए और डिप्रेशन में आ जाओ और ज़बरदस्ती के लोगों के कॉल्स चालू हो जाए। ओके गाइज, सो प्लीज़ शेयर सो दैट पीपल शुड नो मोर अबाउट दिस और दूसरे लोग भी बचे। एंड इफ़ यू लाइक इट, जस्ट हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सर्च, बाय।